हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे डेटा फ्रेम्स की, कि पांडास में डेटा फ्रेम क्या होता है और आप अपने डेटा को, ठीक है ना, आपका डेटा टाइप जो है, आपकी डिक्शनरी है या लिस्ट है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप डेटा फ्रेम आप कैसे बनाते हैं पांडास में, राइट। और डेटा फ्रेम एक्चुअली क्या होता है, इंडेक्स आपकी टू डायमेंशनल एरे होती है, राइट, लाइक अ टेबल। जैसे आप डेटाबेस की टेबल में रो एंड कॉलम होते हैं, तो डेटा फ्रेम भी ऐसा ही होता है, इसमें भी रोज एंड कॉलम होते हैं। तो जस्ट लाइक डेटाबेस टेबल की तरह आपके पास ये होती है, राइट। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे डेटा फ्रेम बाय यूजिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हम इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट पांडास एट पीडी, ठीक है। एक हम फाइव, राइट, और फिर हम एक बनाते हैं वार और पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और हम क्या करते हैं एल पास कर देते हैं और प्रिंट एल कर देते हैं। तो आपकी ये एल नहीं, हम यहाँ पे वार पास करेंगे और प्रिंट टाइप ऑफ वार। तो ये क्या है, आपका डेटा फ्रेम है, फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम क्लास है, ठीक है। ये आपका एक डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है, सिंगल कॉलम है, उसके साथ आपकी इंडेक्स भी आ गई, ठीक है। और अगर आप मल्टी डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको मल्टी डायमेंशन भी बना सकते हैं। तो आप इसको मल्टी डायमेंशन भी बना सकते हैं, राइट। अगर आप इसको किसी इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो इसके लिए आपको वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना, प्रिंट वार और उसके बाद आप जीरो कॉलम एंड वन इंडेक्स, ठीक है, वार आपका आ गया तो सिक्स, ठीक है, जीरो कॉलम और आपकी फर्स्ट रो आपका सिक्स आ गया। अगर आपको टेन को गेट करना है तो क्या करोगे आप, फोर एंड वन, राइट, इसको आप फोर करें और वन करें तो आपके पास ये टेन आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा प्रिंट करके गैप दे दें तो आपके पास टेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेन की ऐड कर ली, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है तो आप इंडेक्स भी कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर आप इसको इंडेक्स भी करना है तो इसको आप इंडेक्स कर दें, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंडेक्स इज इक्वल टू, और इसको आप कर दें वन, और इसको कर दें आप टू, राइट, वन टू आ गया है। मगर अब आपको पोजीशन आपको कैसे मिलेगी, यहाँ पर फोर, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू, तो फिर आपको टेन मिलेगी क्योंकि इस इंडेक्स पे है ना आप, राइट। तो आप ऐसे इसको गेट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो थी हमारा, हमने डेटा फ्रेम बनाया बाय यूजिंग लिस्ट, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे डेटा फ्रेम बाय यूजिंग डेटा डिक्शनरी, राइट, इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। और अब हम बनाते हैं एक डेटा डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एट पीडी, ठीक है। ये डेटा बना ले हम लोग, और एक ही हम अपनी डिक्शनरी बना रहे हैं, जिससे लेंगे हम लोग कैलोरीज, और इसकी आप वैल्यूज दे दें, कैलोरीज 420, राइट, 350 और 390, राइट। और उसके बाद आप क्या दे दें, ड्यूरेशन दे दें आप 50 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। अच्छा, इसमें एक आप ये ध्यान रखिएगा
जब भी आप डेटा रजिस्ट्री बना रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अगर इसमें आप ये कर देंगे 50 तो ये आपको एरर दे देगा, राइट। तो डेटा डिक्शनरी बनाते हुए नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो हमने एक डिक्शनरी बना ली, हम देखते हैं ये एरर आएगा तो हम इसको रिमूव करें, इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो अब हम एक फ्रेम बनाते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, और हम क्या पास कर देते हैं, डेटा इसको पास कर देते हैं, राइट। और क्या करते हैं, प्रिंट df कर लेते हैं, राइट। अब प्रिंट देखें, कॉलम इंडेक्स का मसला दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 1 2 3, तो 50 को आप ख़त्म करें। तो ये देखें आपका कॉलम का, ये दोनों चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ आइटम इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें भी 3 होने चाहिए, राइट। तो ये लिस्ट बनाते हुए और डेटा आपकी डेटा डिक्शनरी बनाते हुए इस चीज़ का आपको ख्याल करना है कि इनकी वैल्यू जो इक्वल हो, राइट। तो हमने इसको प्रिंट किया, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इनका होता है लोकेट रो का, कि आपको पूरी की पूरी रो चाहिए। अब 0 1 2, ठीक है, आपको पूरी रो को लोकेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रिंट df डॉट लोकेट होता है, और इसमें आप अपनी रो का इंडेक्स पास कर दें। तो आपको क्या आ गई, 350 एंड 40, ठीक है। नेम आपके पास नेम 1 है, ठीक है, नेम 350 और दिस वन नेम आपका, राइट। और अगर आपने दो कॉलम लेने हैं, इसको आप करते हैं 1 एंड 2, तो जीरो वन, हमने 0 लिया और इसके साथ हम 1 भी लिया। तो ये एरर क्या दे रहा है आपके पास, इंडेक्स एरर, ओके, ठीक है, सही कह रहा है ना, ये आप दो एरर ले रहे हैं, राइट। तो इसने आपको क्या दे दिया, 0 रो पूरी आपको दे दी और आपको एक 1 रो दे दी, 350 और 40 दे दिया आपने, राइट। तो इनका एक रो होता है, रो का लोकेट, रो का लोकेट का फंक्शन होता है लोकेट का, इसके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप डेटा के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ, इसके अलावा इसके साथ नेम, कोई भी नेम भी देना चाहते हैं, नेमिंग, नेम इंडेक्स, इंडेक्स का नेम रखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप यहाँ पर इंडेक्स कर दें, इंडेक्स इज इक्वल टू, और आप एक लिस्ट दे दें इसे, day 1 day 2 and day 3, राइट। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपके डेज, अब यहाँ पे आपको ये पास करना पड़ेगा, day 1 day 2, इसको हम कमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप बस day 1 day 2 day 3 आ गई, राइट। अगर आपको इनके थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है, आप प्रिंट करें df डॉट लोकेट और day 1, राइट। तो आपको day 1 की मेल मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह आप कामा देकर day 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, मगर ये डबल 2 डायमेंशन में आ जाएगा। तो आप day 2 भी कर सकते हैं, day 1 day 2 की वैल्यूज भी आती है, तो आप पूरी रो को लोकेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके थ्रू आप ये काम भी करें, ठीक है ना।
आप लोकेट यूजिंग नेम, ठीक है ना, यूजिंग नेम इंडेक्स, तो इस तरह भी आप इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आप चाह रहे हैं, चलो हम इंडेक्स को ख़त्म कर देते हैं, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं इसको, ठीक है, इसको भी हम कमेंट करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम अब इसकी वैल्यूज़ हम कैसे गेट करें, आपको 45 वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे, आप df आपका डेटा फ्रेम का नाम, और उसके बाद आप देंगे ड्यूरेशन, ठीक है, और आपकी day 3, तो आप 45 गेट कर लेंगे, राइट। देखें 45 गेट कर लिया। और अगर आप day 2 जाना चाह रहे हैं तो आप डे में 40 गेट करेंगे। अगर आपको कैलोरीज काउंट करनी है तो आप यहाँ पे कैलोरीज पास कर दें, ₹350। एक्चुअली ये 0 और 1 की वैल्यूज होती है, आप ये 0 और 1 ये इस तरह पास करेंगे, मगर हम तो बाय नेम इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कैलोरीज ले रहे हैं। ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0, 1, 2 है, तो 0 और 1 और 2 पास करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी कोई भी वैल्यू भी आप इसकी गेट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको क्या गेट करना है, आपको 50 गेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ड्यूरेशन पास करेंगे। आपने ड्यूरेशन पास किया और यहाँ पे day 1 कर दिया आपने, ठीक है, तो आपको 50 गेट हो जाएगा। तो डेटा फ्रेम हमारा, कि हम डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, राइट, थ्रू लिस्ट हम डेटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं, और बाय यूजिंग डिक्शनरी हम डेटा फ्रेम को कैसे बनाते हैं, और डेटा फ्रेम को हम एक्सेस भी कैसे करते हैं, राइट। तो अगर हम इसमें एक काम और कर लें, हम चाह रहे हैं सिर्फ हमें आपको, चलो ठीक है, इसको भी हम कमिट्स करते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं सिर्फ, आपने डेटा फ्रेम तो बना लिया कैलोरीज का, ठीक है, आप चलो एक और आप डेटा फ्रेम बना लें, df1 बना लें, इज इक्वल टू तो इसमें आप क्या चाह रहे हैं, कि मुझे सिर्फ एक इंडेक्स नज़र आए, सिर्फ कैलोरीज आपको नज़र आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, column कॉलम इज इक्वल, आप इसमें सिर्फ क्या पास कर दें, calories कैलोरीज, राइट, और प्रिंट df1 कर दें आप, राइट। आपने कैलोरीज पास की, सिर्फ कैलोरीज आपको चाहिए, तो आप इसको कॉलम column, ये फंक्शन ठीक है, ये इसको भी आप कमिट्स करें, डेटा आ गया आपका कॉलम इज इक्वल टू कैलोरीज, तो यही है फंक्शन, इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको देखना पड़ेगा, हम कॉलम लिख रहे थे, हम column कॉलम लिख रहे थे, तो ये दे रहा था, ये एक्चुअली है कॉलम्स, कॉलम्स है, राइट। तो देखें आप इसमें क्या लिया, इसने कॉलम्स में सेकंड df को हमने प्रिंट कराया, तो सिर्फ इसने आपको कैलोरीज का कॉलम दे दिया, राइट। तो आप मल्टीपल कॉलम भी इसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी डेटा फ्रेम से आप
दूसरे कॉलम भी आप इसमें से, मल्टीपल कॉलम हो तो उसमें कोई एक कॉलम भी आप ले सकते हैं, राइट। जैसे हमने सिर्फ कैलोरीज का कॉलम ले लिया, अगर आपको ड्यूरेशन का चाहिए तो आप ड्यूरेशन का कॉलम भी इसमें से ले सकते हैं, राइट। तो आज हमने क्या, आज हमने कौन कौन सी कमांड्स देखी, हमने लिस्ट बनाना देखा, हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, सिंगल डायमेंशन और टू डायमेंशंस, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, हमने उनके जो वेरिएबल्स कोई गेट करना है एलिमेंट को, वो हमने सीखा कि हमने एलिमेंट कैसे गेट करते हैं, आपको डेटा फ्रेम, आपका इंडेक्स, ठीक है, ये आपका कॉलम इंडेक्स और ये आपका रो, ठीक है, फोर कॉलम टू तो आपको 10 रिसीव होगा, ठीक है, ये कॉलम, ये आपका रो का इंडेक्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है। डेटा फ्रेम को हमने क्या पास किया, हमने डिक्शनरी पास कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इंडेक्स कर दिए उसके रोज के नेम्स को, डे वन, डे टू, डे थ्री को, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि तो हमें दो कॉलम थे तो हमें एक कॉलम चाहिए सिर्फ कैलोरीज का, उसके लिए हमने एक और डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है। उसमें कॉलम्स हमने इक्वल कर दिया ड्यूरेशन के, तो हमें दो कॉलम की जगह एक सिंगल कॉलम नजर आ गया। तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने रो लोकेट का एक फंक्शन देखा कि अगर आपको ये पूरी रो चाहिए, ठीक है ना, पूरी रो चाहिए तो आप कैसे इसको रो कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसका क्या फंक्शन था, उसका था LOC, लोकेट का फंक्शन, और उसमें हम आप क्या करते थे, आप एक अपनी एक सिंगल रो पास करते थे, ठीक है। ये तो मल्टी डायमेंशन के केस में हमने पास किया था, ठीक है ना, ये दो रोज आपको चाहिए तो आप सिंगल रोज पास करेंगे तो आप सिंगल रोज दे देंगे। उसके बाद हमने इसी लोकेट किया बाय यूजिंग इंडेक्स नेम, ठीक है, डे वन, डे टू, डे वन, डे टू, तो इनको भी हमने लोकेट किया बाय यूजिंग इंडेक्स, राइट। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसके बाद देखा कॉलम को हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। एक तो आप डायरेक्ट थ्रू लोकेट रो के भी आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको डेटा फ्रेम, ठीक है, उसके बाद आपका कॉलम का नेम और आपकी रो का नाम, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, इंडेंटेशन का मसला हो रहा है, राइट। तो आपको 50 वैल्यू मिल गई, ठीक है, ड्यूरेशन, आपका नेम और आपका रो नेम, राइट। तो पर्टिकुलर लोकेशन आपको मिल जाए, कोई भी आपको अगर लोकेशन पे कोई भी आइटम आपको गेट की वैल्यू गेट करनी है तो आप ऐसे गेट करेंगे, ठीक है, आपके कॉलम का नेम, देन आपके रो का नेम, ठीक है, तो आपको आइटम, वो पर्टिकुलर आइटम आपको गेट कर देगा। इस केस में हमने क्या किया, ड्यूरेशन और डे वन, तो ये ड्यूरेशन है, ये डे वन है, तो 50 की वैल्यू आपको गेट होगी, राइट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, हमने डेटा फ्रेम्स को कवर किया। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल इसको हम कवर करेंगे, जब इसमें हम कोई डेटा लोड करेंगे CSV फाइल बाय यूजिंग CSV फाइल, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।